स्वामी जी, जब हम लोग सफरिंग की बात करते हैं, विच इज़ वाई इतने लोग डिप्रेशन में और सुसाइड होता जा रहा है, परमहंस रामकृष्ण जी एक डिसाइपल थे, उनसे पूछते हैं कि यू नो व्हाई इज़ देयर सो मच सफरिंग इन द वर्ल्ड, इतना दुख क्यों है, तो वो जवाब देते हैं कि दिस इज़ अ डिवाइन प्ले गोइंग ऑन, लीला है भगवान की. तो डिसाइपल हैं वो ये बोलते हैं कि शायद आपके लिए डिवाइन होगा, मेरे लिए डेडली है. तो हम लोग कैसे सफरिंग से रिएक्ट करें, कैसे उसके साथ देखो दे? पहली बात तो सचमुच लीला तो है निश्चित रूप से, लेकिन उस लीला को जीना कैसे है और देखना कैसे है. एक होता है कि ठोकर लग गई, एक होता है ठोकर में भी ठाकुर जी का दर्शन हो जाए. नहीं, अब सफरिंग क्या है? एक होता है पेन, एक होती है सफरिंग. पेन बॉडी को होता है, सफरिंग मन को होती है. मैं गिर पड़ा, चोट लगी तो मुझे पेन होने लगा, ठीक है ना. किसी ने कुछ कह दिया, मुझे चोट लगी, ईगो को, ईगो क्रश हुआ, तो मेरे मन को चोट लगी. जब मन को चोट लगती है तो सफरिंग क्रिएट होती है, तो भीतर दुख होता है. वो क्यों होता है? क्योंकि मेरा ईगो क्रश हुआ. मेरी क्यों हुआ है? मेरी एरोगेंस है, ये मेरी इग्नोरेंस है, ये अविद्या है हमारे यहाँ कहते हैं. और वो जब होता है तो व्यक्ति भीतर दुखी हो जाता है, तो सफरिंग होती है भीतर मन को, होती है पीड़ा होती है. बुद्ध ने जब दूसरों की सफरिंग देखी तो उनको लगा, अरे ये क्या पीड़ा ही तो देखी, चोट पहुंची. बोले चलो इसका उपाय ढूंढो, चल पड़े जंगल की ओर, ध्यान में बैठे, ध्यान में समाधान मिले, एनलाइटनमेंट, मिडिल पाथ मिला, एनलाइटनमेंट मिली. और एनलाइटनमेंट क्या है? लिविंग इन द लाइट, प्रकाश की ओर जीना. तभी ऋषि कहते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो. असतो मा सदगमय, फॉल्सहुड से रियल वर्ल्ड की ओर चलो, रियलिटी की ओर बढ़ो. क्या रियल है क्या नहीं रियल है वो आपको पता लगेगा उससे, जब आप अंधेरे में नहीं प्रकाश में जिएंगे. फिर आप अमृत में जिएंगे, फिर आप वो रास्ते नहीं खोजेंगे जो आपको डेडली डेथ की ओर ले जाए. इसलिए ऋषि बार बार कहते हैं अंधेरे में नहीं प्रकाश में जियो. यहाँ लाइट ना हो, रात है, आप आए, खंबा सामने है, क्रैश, सड़क पे थे, भूल गए अपने पथ को, कहीं और पहुंच जाएंगे. या यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स, what will happen? Accident. In life also, when you are not following the rules, not living the life you have to live, living in darkness, not living in light, to kya hoga? Accident hoga. Ye drugs, ye sari cheeze, aapki clarity ko itna nasht kar deti hai ki vyakti dheere dheere phir galat raaste par chal padta hai. To kya hota hai ki vyakti jeevan mein jab satsang karta hai, जब सही बुक्स को पढ़ता है, ग्रंथों को पढ़ता है, अपनी संस्कृति में रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, इनको पढ़ता है, गीता जी, इनको पढ़ता है, तो उसको डायरेक्शन मिलती है. स्पीड तो महात्मा गांधी जी कहते थे, देयर इज, वो कहते थे व्हाट इज द यूज ऑफ दैट फास्ट स्पीड विच हैज नो डायरेक्शन. स्पीड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, वो गलत दिशा में ले जाएगी. आज सोशल मीडिया के थ्रू स्पीड तो बहुत हो गई लेकिन डायरेक्शन खत्म हो गई. तो फेसबुक पे जाना मना नहीं है, गो ऑन फेसबुक, क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? अगर आपको डिस्कोर्स देख रहे हो, सत्संग देख रहे हो तो फिर ठीक है, पर कुछ और देख रहे हो एट द सेम टाइम, दिन में फेसबुक देखो, एंड ऑफ द डे फेस योर बुक, वेयर डू यू स्टैंड, फेस योर बुक. अपनी बुक में क्या लिखा है, अपनी बैलेंस शीट में क्या है, whether I am being better or bitter, whether I am in peace or in pieces, what is happening to my life. ये फेसबुक में जाओ लेकिन अपना अपने फेस को भी देखो, अपनी बुक को भी देखो, एंड फेस योर बुक also. इंटरनेट को यूज करो, takes you to the world, gives you the speed, connects you to the whole world, but at the same time इंटरनेट इज नॉट अनफ. यू नीड इंटरनेट टू कनेक्ट योर वर्ल्ड, टू कनेक्ट टू द होल वर्ल्ड, बट टू इनर वर्ल्ड यू नीड इनरनेट. तो इंटरनेट और इनरनेट शुड गो टूगेदर.
वेरी इंपॉर्टेंट।